तो आ गए मित्रों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कल जयपुर न घूमकर अपने दोस्त के घर आ गया। क्यों आया, किस लिए आया, तो इस सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। क्योंकि मुझे जाना था खाटू श्याम जी के दर्शन करने, तो खाटू श्याम जी का मंदिर मेरे दोस्त के घर से करीब है। तो सुबह होती है और हम लोग खाटू श्याम जी के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे और मुझे पता नहीं था कि राजस्थान में पहाड़ भी होते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जीड़ माता के मंदिर, जो कि राजस्थान और पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम जयंती माता है और ये दुर्गा माता के अवतार हैं। इनका मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में है, जो कि सीकर से 29 से 30 किलोमीटर दूर है। और आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हठठ द्वारा 1064 ईस्वी में करवाया गया था। जीड़ माता के दर्शन होने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं और मेरे मित्र थोड़ी खरीदारी करने में लग जाते हैं। और फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं। 30 से 32 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुँचते हैं खाटू श्याम जी। अगर आपको कभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आना है तो आप जयपुर आ जाओ, फिर वहाँ से आप बस या ट्रेन से रिंगस, जिसके बीच की दूरी तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर है, फिर रिंगस से ऑटो पकड़कर खाटू श्याम जी के गेट पर, और यहाँ से मंदिर की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ से आपको पैदल चलकर जाना होगा। अभी हम लोग पैदल चलकर मंदिर जा रहे हैं और पैदल चलते चलते आपको खाटू श्याम जी की कहानी बता देता हूँ। तो खाटू श्याम जी असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से वीर और महान योद्धा के गुण थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया था, और बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया। तो अभी हम लोग का दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखें, और थैंक्स टू नौरंग, जिसकी वजह से मैं आसानी से दर्शन कर लिया प्रभु का। और वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं जल्द, धन्यवाद।